मेवाड़ी गेट स्थित मदरसे से निकले दो बच्चों के बयानों ने करवाई पुलिस की परेड। पुलिस जांच में पढ़ाई के दबाव में मदरसे से भागना आया सामने। नगर परिषद प्रशासन ने हटाए शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण, सामान जब्त करने के साथ साथ व्यापारियों को किया पाबंद। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी का पर्व। महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर किया व्रत का पारणा। और DFCC कार्य के दौरान बंद हुए प्राचीन रास्ते को खुलवाने की मांग। नरसिंहपुरा क्षेत्र के लोगों ने दिया SDM को ज्ञापन। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग से सदर थाने के सामने बुधवार रात को बैग लटकाए मिले दो नाबालिग बच्चों के मामले में गुरुवार को दिन भर अलग अलग कयासों का दौर जारी रहा। दरअसल तीनों बच्चे शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित दारुल उलम मदरसा के थे, जो बुधवार रात को मदरसे से निकलकर हाईवे पर आ गए। देर रात को हाईवे पर स्कूली बैग लेकर जा रहे बच्चे दिखाई देने के बाद सदर थाने के एक पुलिसकर्मी ने उनका पीछा किया तो एक बच्चा वहां से भाग छूटा, लेकिन दो बच्चों को पुलिसकर्मी थाने ले आया। थाने लाने के बाद बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेवाड़ी गेट बाहर स्थित दारुल उलम मदरसा में पढ़ते हैं और मदरसे के मौलवी से परेशान हैं। बच्चों द्वारा बताई गई बातों के आधार पर पुलिस ने गुरुवार सुबह तहकीकात की तो मामला कुछ और ही सामने आया। हालांकि पुलिस ने पूरी एहतियात बरतते हुए इस मामले को लेकर मदरसे के मौलवी मोहम्मद आलम पुत्र फजलुद्दीन से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जब बच्चों के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में अन्य बच्चों की कुछ सामग्री भी पाई गई। उधर बच्चों के परिजनों से भी टेलीफोन पर वार्ता कर जानकारी ली गई। गुरुवार सुबह सदर थाने पहुंचे सहायक पुलिस उपाधीक्षक CS सोढ़ा ने जब बच्चों के परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई के दबाव से परेशान है और पढ़ने में कमजोर है, इस कारण वे मदरसे से भागने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी एक बार यह बच्चे मदरसे से भाग आए थे। परिजनों ने मदरसे तथा यहाँ के मौलवी के व्यवहार पर संतोष प्रकट किया है। मामले के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह किसी भी प्रकार की आशंका के चलते चाइल्डलाइन को भी बुला लिया था। पूछताछ तथा सभी प्रकार की जानकारी से संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को चाइल्डलाइन के सुपुर्द करने के बाद उनके परिजनों को सूचित कर दिया है। उधर मदरसे से बच्चों के निकल जाने तथा सदर पुलिस के यहाँ बच्चे होने की जानकारी मिलने के बाद शहर के कई हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी सदर थाने पहुंच गए थे। पुलिस ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष ही जांच तथा बच्चों से बातचीत की। जानकारी मिली है कि पुलिस को देखकर भागा तीसरा बच्चा रात को ही वापस मदरसे पहुंच गया था। उधर जानकारी मिली है कि मदरसे से भागे तीनों बच्चे हरियाणा के चिली क्षेत्र के रहने वाले तथा मेव जाति के हैं। बताया जा रहा है कि मदरसे का मौलवी मोहम्मद आलम भी इसी गांव का रहने वाला है। उधर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ तथा परिजनों से हुई बातचीत के बाद मौलवी के व्यवहार से परेशान होने की बात खारिज हो जाने के बाद पुलिस तथा प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मदरसा है ब्यावर सिटी में, वहाँ से ये बच्चे भाग गए थे और सुबह ये बच्चे को जब भागते हुए इतना मिली तो उसके बाद पुलिस संगठन में उसको दिया गया तसली किए गए सारे बच्चे और मदरसे से और उन्हीं से बच्चों से उनके बच्चों के पेरेंट्स से सबसे पूछा गया तसली की गई। तो ये बात सामने आई कि बच्चे यहाँ पर ही पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ क्लासेज जो है वो उर्दू और अरबी तालीम की भी लगती है इसको जल्दी टाइम से, उसके बाद में दिन में दूसरी पढ़ाया हिंदी इंग्लिश की भी होती है, फिर शाम को जो है इससे सबक का अभ्यास जो है वो कराया जाता है। तो देर ना समय तक पढ़ाई चलती रहती है। ये बच्चे इसके पेरेंट्स से हमारे भाती बच्चे पहले भी ये भागे हैं, बच्चे यहाँ मन में तो पढ़ना नहीं चाहते इस तरह से और इसलिए ये बच्चे पहले भी भागे हैं अभी भागे हैं। तो पिताजी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, हम छोड़ने आते हैं लेकिन फिर भाग जाते हैं।
शहर के नरसिंहपुरा स्थित खसरा संख्या 181 व 136 की भूमि पर बने पुराने रास्ते को DFCC द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण आसपास के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम रास्ता बंद हो जाने के बाद आसपास के काश्तकारों को आने जाने के साथ साथ पशुधन तथा वाहनों को ले जाने के लिए अन्य रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है। आसपास के करीब 10 से अधिक गांवों के निवासियों ने गुरुवार को अपनी पीड़ा को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी से मुलाकात की। SDM चौधरी से की गई मुलाकात के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि नरसिंहपुरा तहसील के खसरा संख्या 181 व 136 पर रेलवे की ओर से DFCC के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। DFCC के निर्माण के चलते यहाँ से गुजरने वाला प्राचीन आम रास्ता बंद हो गया है, जिसके कारण नरसिंहपुरा, मेडिया, ब्यावरखास, सरातना, रामपुरा, मेवातियान, डूंगरखेड़ा, फतेहगढ़ सल्ला, जौहरखेड़ा, रूपनगर सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद हो जाने के बाद रिको एरिया में मजदूरी करने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक मजदूरों को मजदूरी के लिए लंबा रास्ता तय कर यहाँ पहुँचना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्राचीन रास्ते को पुनः खोलने की मांग की है। उपखंड अधिकारी से मुलाकात करने वालों में केसरी मल, रामचंद्र धन्ना, दीना मंगल सिंह, मुश्ताक खान, भवन लाल, मीठू सिंह, रोशन लाल, राजेश गुर्जर, प्रताप सिंह, महेंद्र, गुलाब, बबलू तथा नौरत सहित अन्य उपस्थित थे। आज जो हमारा ये एक वो अंडरपास बनवाने के लिए रेलवे ने जो पुराना प्राचीन काल रास्ता था अंग्रेजों के टाइम का, वो DFC के निर्माण की वजह से अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। तो राजस्व विभाग के अंदर हमारी एक रोड बोलती है 40 फुट, एक खसरा नंबर 181 और मेड या पंचायत में खसरा नंबर 136, इसको जोड़ने के लिए एक अंडरब्रिज का निर्माण करवाने के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। सदर थाना क्षेत्र के छापरों का बाड़िया में गुरुवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। युवक की लाश मिलने की जानकारी के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर सदर थाने के SI नूर मोहम्मद मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए युवक की शिनाख्ती के प्रयास किए। मौके पर युवक की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसे राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। अज्ञात युवक की लाश की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे महेश नाम के एक युवक ने इसकी पहचान नुकड़ी का चेरापुर नानना पाली निवासी लाडू सिंह पुत्र भोला सिंह के रूप में की। युवक की शिनाख्त होने के बाद उसके परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया गया तथा उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया दुर्घटना का लग रहा है। पुलिस को मौके से एक स्कार्फ और बाइक के टूटे पड़े इंडिकेटर पड़े मिले हैं। नगर परिषद ब्यावर की अतिक्रमण शाखा ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में शुरू किए गए अभियान के तहत छावनी रोड, अजमेरी गेट तथा विजयनगर रोड क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को जब्त किया। परिषद प्रशासन की ओर से यकायक शुरू की गई कार्यवाही से दुकानदारों तथा हाट ठेला संचालकों में खलबली मच गई। परिषद के दस्ते को देखते ही दुकानदार अपने अपने स्तर पर दुकानों के बाहर पड़े सामान को समेटना शुरू किया, लेकिन कर्मचारियों ने ताबड़तोड़ काम करते हुए दुकानदारों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने खाद्य सामग्री, तेल के पीपे सहित अन्य सामग्री जब्त कर गाड़ी में डाल दी। दस्ते ने रास्ते में बेतरतीब रूप से खड़े हाट ठेला संचालकों का सामान भी जब्त कर लिया। कार्यवाही के दौरान शाखा प्रभारी पवार ने दुकानदारों को भविष्य में अपनी दुकानों के आगे किसी भी प्रकार का सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने के लिए भी किया। कार्यवाही के दौरान भानु प्रताप, मनीष टाक, ओम पवार, अशोक पंडित, अंकित पंडित, रवि सांगेला, लक्ष्मण तेजी, पुखराज पड़ियार सहित अन्य सफाई कर्मी उपस्थित थे। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये छावनी रोड पे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है और विजयनगर बस स्टैंड पे जो रोड के ऊपर जो दुकानदारों ने बहुत आधी आधी सड़क के ऊपर सामान रख के अतिक्रमण करने से मार्गाधिकार में काफ़ी आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस दरमियान हमारे सभापति महोदय और आयुक्त महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में इस प्रकार से किसी भी प्रकार का सामान अगर बाहर पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है और कार्रवाई पूरे शहर में चलेगी है। और
शहर में गुरुवार को नागपंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर नाग देवता को दूध चढ़ाया तथा तेजाजी के थान पर पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना भी की। इस पर्व के मौके पर महिलाओं ने विजयनगर रोड साकला कॉलोनी स्थित स्वर्गीय राम सिंह साकला के मकान में बनी नाग प्रतिमा की पूजा अर्चना के पश्चात व्रतधारी महिलाओं ने नाग बाबा की कहानी सुनकर व्रत का पारण किया। मालूम हो कि श्रावण मास के पंचमी के दिन मनाए जाने वाले नागपंचमी पर्व पर काल सर्प योग की शांति के लिए पूजन आदि भी किए जाते हैं। नागपंचमी के अवसर पर गुरुवार को अग्रवाल तथा खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने भी नाग देवता की पूजा अर्चना करते हुए ठंडे खाने का उपयोग किया। गुरुवार को नागपंचमी की पूजा करने वाली महिलाओं में ज्योति अग्रवाल, चंचल देवी, सीता देवी, संगीता अग्रवाल, इंदिरा देवी, कुसुम, रेणु बंसल, अंजलि गर्ग तथा राजकुमारी बंसल आदि शामिल थी। शहर के नेहरू गेट बाहर से संजय स्पेशल स्कूल में गुरुवार को बाल संसद का गठन किया गया। केंद्र प्रभारी रणसिंह चीता ने विगत 18 वर्षों से कार्यरत स्कूल में हर वर्ष बाल संसद के चुनाव करवाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति व लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ का विकास हो सके। इसी क्रम में विगत 4 वर्षों से विद्यालय में बच्चों को शाला विकास के नेतृत्व के लिए बाल संसद के चुनाव करवाए जा रहे हैं। गुरुवार को गठित बाल संसद में छात्रा नवल को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। इससे पूर्व विद्यार्थियों ने कक्षावार सांसद क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान किया एवं सांसद चुना। विजयी घोषित किए गए उम्मीदवारों ने मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव किया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री छात्रा नवल ने सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट किया। बाल संसद के गठन के अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र रौनक श्रीमाल ने हर्ष व्यक्त किया है। अंत में केंद्र प्रभारी चीता ने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई दी। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में गुरुवार तड़के एक रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी होने के दौरान ब्रेक नहीं लगने के कारण प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। बस के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाने के कारण सामने यात्रियों के लिए रखी गई लोहे की कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। यह तो गनीमत रही है कि सुबह का समय होने तथा प्लेटफॉर्म पर यात्री नहीं होने के कारण एक गंभीर हादसा टल गया, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। घटना के बाद बस के चालक ने बस के ब्रेक ठीक किए तथा उसके बाद बस को गंतव्य के लिए रवाना किया। जानकारी के अनुसार ब्यावर से पाली के बीच चलने वाली पाली डिपो की एक अनुबंधित बस को चालक गुरुवार सुबह 4 बजे स्टैंड पर खड़ी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान बस के ब्रेक नहीं लगने के कारण बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। बस के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर रखी 2 लोहे की कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह समय होने के कारण प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं था, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। मालूम हो कि ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड स्थित प्लेटफॉर्म की हाइट कम होने के कारण आए दिन इस प्रकार के हादसे घटित होते रहते हैं। इससे पूर्व भी विगत दिनों एक बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी, लेकिन उस दौरान भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। रोडवेज प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म की हाइट को बढ़ाया जावे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। शहर के मुख्य डागर के सामने होटल गोकुलम में संचालित सेराजय में केंद्र की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मानक डानी, भगवान सिंह राठौर तथा राधावल्लभ माहेश्वरी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस दौरान केंद्र संचालकों की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित महिला तथा पुरुषों ने तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार, कालू भाई, हेमंत कुंदानी, हरीश कुमार, धनराज, अख्तर हुसैन, जसवंत सिंह, अनुशील, अशोक सिंह, श्रीमती अनीता, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती मीना देवी सहित अन्य उपस्थित थे। मालूम हो कि सेराजय में एक प्राकृतिक पद्धति है, जिसमें मसाज, एक्यूप्रेशर, हीट सहित अन्य माध्यमों से रीढ़ की हड्डी पर थेरेपी दी जाती है, जो कि प्राकृतिक तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाती है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
चातुर्मास के दौरान 9 दिवसीय तपस्या करने वाली तपस्वी श्रीमती सीमा पत्नी जितेंद्र बड़ोला का गुरुवार को वरघोड़ा निकालकर स्वागत किया गया। मालियान चौपड़ स्थित चोपड़ा निवास से शुरू हुआ वरघोड़ा लौरान चौपड़ पाचबत्ती जैन मंदिर पाली बाजार महावीर बाजार होते हुए समता भवन पहुंचा। वरघोड़े के दौरान जैन मित्र मंडल समता युवा संघ तथा समता महिला मंडल की सदस्याएं आचार्य रामलाल जी महाराज के साथ साथ भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बैंडबाजों की धुन के साथ निकाला गया वरघोड़ा समता भवन पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां पर तपस्वी बहन सीमा बड़ोला ने साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए उपस्थित सभी से प्रत्याख्यान लिए। इस दौरान चांदमन बड़ोला, रौनक श्रीमाल, दौलतराज बुरड, ज्ञानचंद कोठारी, विनोद सिंह वी, निहाल चंद कोठारी, अंकुश बोहरा, राहुल ओस्तवाल, मनीष बंट, राजेंद्र सेठिया, ज्ञानचंद सेठिया सहित अन्य उपस्थित थे। एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में छात्रावास शुरू करने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय में दूर दराज के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन महाविद्यालय का छात्रावास शुरू नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में शहर में महंगे दामों में किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। छात्र संघ अधिकारियों ने महाविद्यालय प्राचार्यों से छात्रों की परेशानियों को देखते हुए बंद पड़े छात्रावास को शीघ्र ही शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अशोक राठौर, दुष्यंत सिंह रावत, भूपेश गंगवानी, विक्की रावत, अफजल खान, मिनिस्टर काठात, रामदयाल भागीरथ, रविंद्र, राजेंद्र, राधेश्याम सहित अन्य छात्र नेता उपस्थित थे। शहर के अस्पताल रोड टीबी अस्पताल के बाहर गुरुवार को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। क्षेत्रवासियों की जानकारी के बाद क्षेत्र में पेयजल वितरण बंद किया गया, लेकिन तब तक सड़क पर पानी ही पानी हो गया था। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग की ओर से अस्पताल रोड पर नई पाइपलाइन डाली गई थी। जलदाय विभाग ने बुधवार को नवीन पाइपलाइन में पेयजल सप्लाई शुरू कर दी थी। जानकारी मिली है कि बुधवार को टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों की ओर से अपनी केबल दुरुस्त करने के लिए खुदाई की थी। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान क्षेत्र में पूर्व में डाली गई पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण गुरुवार को पेयजल सप्लाई के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगी सेवाओं को बेहतर बनाने तथा अस्पताल में रोगी सेवाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कवायद शुरू की गई है। अब अस्पताल में उपचार करवाने वाले रोगियों से उपचार के बाद छुट्टी के दौरान एक रोगी संतुष्टि प्रपत्र भरवाया जाएगा। उक्त रोगी संतुष्टि प्रपत्र के आधार पर ही अस्पताल प्रबंधन रोगी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। छुट्टी के बाद रोगी को दिए जाने वाली रोगी संतुष्टि प्रपत्र की प्रश्नावली को भरकर उसे सुझाव टीका में डाला जाएगा। रोगी द्वारा डाले गए प्रपत्र की जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाए गए रोगी संतुष्टि प्रपत्र में प्रश्नावली के जवाबों को 5 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें असंतोषप्रद, मध्य स्तर, अच्छा, बहुत अच्छा तथा उत्तम को शामिल किया गया है। रोगी संतुष्टि प्रपत्र में रोगी से अस्पताल में पर्याप्त सूचना की उपलब्धता, पंजीकरण एवं भर्ती में व्यतीत समय, अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया, अंतरंग वार्ड, स्नानघर तथा शौचालय की स्वच्छता, चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों की सेवाओं की उपलब्धता, अंतरंग परीक्षण सुविधाएं सहित अन्य प्रकार के सवालों को शामिल किया गया है। रोगी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अस्पताल प्रशासन अपनी रोगी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेगा। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के 5 स्थानों पर बनाए जाने वाले आधुनिक शौचालयों की कड़ी में एक शौचालय के निर्माण शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर बनाया जाएगा। रोडवेज बस स्टैंड पर बनने वाले आधुनिक शौचालय के लिए गुरुवार को नगर परिषद के सहायक अभियंता ओम प्रकाश साहू ने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के दौरान रोडवेज के अधिकारी भी मौजूद थे। नगर परिषद के सहायक अभियंता ओम प्रकाश साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शहर में 5 स्थानों पर आधुनिक सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रत्येक शौचालय के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। साहू ने बताया कि योजना के तहत शहर के जाजोदिया पार्क, बाल उद्यान पार्क, चांगेर तथा नगर परिषद में आधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। जानकारी मिली है कि रोडवेज की निजी भूमि पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनवाए जा रहे आधुनिक शौचालय निर्माण पर रोडवेज प्रशासन ने आपत्ति दर्ज करवाई है।
मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2018 के अंतर्गत ब्यावर शहर में 5 स्थानों पर मॉडर्न जो टॉयलेट बनाए जाने हैं उनमें एक एक जो टॉयलेट है रोज प्रोसेस में बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आज ये जगह का मुकम्मल किया है। पहले तो पाँच जगह था ना सर? पाँच जगह पर। पाँच जगह, एक तो हम ऑफिस में बना रहे हैं नगर परिषद ऑफिस में, एक जाजोरी पार्क में, एक चांग गेट पर और एक और है चार पाँच बालू धर्म फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, दी राजपूताना माइन ऑनर्स एंड मिनरल मर्चेंट एसोसिएशन ब्यावर सहित अन्य एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस दौरान फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जयपुर ने खनन पट्टाधारियों की ओर से सीएम को अन्नपूर्णा योजना के तहत सहयोग राशि के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया, साथ ही सीएम को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान एसोसिएशन सदस्यों ने सीएम से राजस्थान से कच्चा प्रधान खनिज भेजने के बारे में रोक लगाने का अनुरोध भी किया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जयपुर के अक्षयदीप माथुर, सुरेश अग्रवाल, केवी माथुर, नाना लाल, पुष्पकांत, जगदीश, सुखलाल तेली, मोहम्मद रफीक, ब्यावर से सुरेश चौहान, राधा वल्लभ माहेश्वरी, राजेंद्र शर्मा, प्रवीर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रसिका मंडल की ओर से फतेहपुरिया बगीचे में सतरंगी सावन उत्सव आयोजित किया गया। सतरंगी लहरिये से सजे दरबार में रास बिहारी वे राधा रानी का झूला सजाया गया। महिलाओं ने ठाकुर जी को झूलते हुए भक्ति आनंद लिया। कार्यक्रम संयोजक रीना बंसल ने बताया कि सावन के मौके पर आयोजित आनंदमय कार्यक्रम में गायक भागचंद सोनी व सुमित सारस्वत ने भक्तिमय प्रस्तुति दी। मेरे लाल लाडली को झूला झूला रहे हैं, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लेऊं नजर उतार, फूलों से रहे हैं वृंदावन बिहारी, सावन का महीना झूले राधानंद किशोर जैसे भजनों पर सभी झूम उठे। रीना बंसल, मधु जोशी व रेखा गोयल ने भक्ति गीतों पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति दी तो सभी आनंदित हो उठे। कार्यक्रम का निर्देशन व संचालन सुमित सारस्वत ने किया। कार्यक्रम के बीच रोचक प्रतियोगिता में अमेरिका की मंजू जैन, गुजरात की टीना अग्रवाल, मुंबई की अनुपमा उपाध्याय, सिमलेश नंदनी, राजुल मोथा, अंजू गर्ग, कीर्ति मालपानी, रानू जोशी, शीतल बुतरा, संध्या प्रजापति, संगीता गर्ग विजेता रही। कार्यक्रम में अमिता बंसल, निधि झवर, अंजू हेड़ा, स्वाति राठी, विनीता अग्रवाल, सुनीता हेड़ा, नीता कुमावत, सारिका यादव, दीपिका शर्मा, कांता सोमानी, हेमलता गर्ग, आशा जैन, कांता बंसल, संगीता यादव, बबीता कुमावत, शिल्पा सुराना, अभिलाषा डांगी, शीतल जिंदल, संगीता गर्ग, लता शर्मा तथा आनंदी सोनी सहित कई महिलाओं ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा माताओं तथा बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को आशापुरा माता धाम में मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आयोजित एक समारोह में विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर, नितेश कोयल तथा डूंगर सिंह साकला ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। केंद्र का शुभारंभ अर्चना लोहिया, अंजू शर्मा, राजेश्वरी यादव, मंजू काबरा, दिव्या सोनी, सुनीता सोनी, वैशाली जैन, सुनीता साहू, रेणुका जेतलिया तथा ललिता बल्दुआ ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्र शुभारंभ के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र की उपयोगिता के बारे में बताया कि इसमें प्रशिक्षण के बाद हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होकर परिवार को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि आजकल विशेष उत्सव शादी विवाह में मेहंदी बनाने वाली बहनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन बहनों के नहीं मिलने पर पुरुषों द्वारा बहनों के मेहंदी से हाथ बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र में बहनें प्रशिक्षण लेने के बाद इस कमी को पूरा करेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद प्रशिक्षक बहनों ने मौजूद बहनों का मेहंदी से हाथ बनाकर केंद्र का शुभारंभ किया। अंत में नगर अध्यक्ष डूंगरमल साखला ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री सुरेश वैष्णव ने किया। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, में मिलेंगे, नमस्कार। मेवाड़ी गेट स्थित मदरसे से निकले दो बच्चों के बयानों ने करवाई पुलिस की परेड। पुलिस जांच में पढ़ाई के दबाव में मदरसे से भागना आया सामने। नगर परिषद प्रशासन ने हटाए शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण, सामान जब्त करने के साथ साथ व्यापारियों को किया पाबंद।
शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नाग पंचमी का पर्व। महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर किया व्रत का पारण। और DLCC कार्य के दौरान बंद हुए प्राचीन रास्ते को खुलवाने की मांग। नरसिंहपुरा क्षेत्र के लोगों ने दिया SDM को ज्ञापन।